दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। जुलाई 2020 में एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप 2020 खेला जाना है। बहुत ही रोमांचक और शानदार ये टूर्नामेंट रहने वाला, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की उस 16 सदस्यीय टीम के बारे में जो एशिया कप 2020 में टाइटल को अपने नाम करने के लिए उतरने वाली है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे उन सभी बड़े खिलाड़ियों की भी जो एशिया कप 2020 से पहले भारतीय टीम के स्क्वाड्स के साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और यदि आप भी कर रहे हैं एशिया कप 2020 का बेसब्री से इंतजार, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछला एशिया कप यूएई में खेला गया था, जहां पर रोहित की कैप्टनसी के अंडर टीम इंडिया ने एशिया कप 2018 जीता था, और भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली को एशिया कप 2018 से आराम पर रखा गया था। लेकिन इस बार टीम इंडिया पहली बार विराट की कैप्टनसी में एशिया कप खेलने के लिए एशिया कप 2020 में उतरने वाला है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2020 के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को दिए थे, जिसके चलते बीसीसीआई ने ऐसा बिल्कुल बोल दिया था कि भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाएगी, जिसके चलते अब यह टूर्नामेंट शिफ्ट होने वाला है, और पाकिस्तान से यह टूर्नामेंट यूएई में शिफ्ट हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था एशिया कप 2018 में, जहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2018 के राइट्स बीसीसीआई को दिए थे, और पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था। तो यहां पर बीसीसीआई ने होस्टिंग राइट्स यूएई क्रिकेट बोर्ड को दे दिए थे, और बिल्कुल ऐसा ही एशिया कप 2020 में भी हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो एशिया कप 2020 के दौरान हमें भारतीय टीम के स्क्वाड्स में दिखाई देने वाले हैं। तो सबसे पहला बदलाव यहां पर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर होने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप 2019 के बाद से लेकर अभी तक टीम इंडिया से दूरियां बनाए हुए हैं। टीम इंडिया के लिए वो अभी तक नहीं खेले हैं, और यदि वो आईपीएल 2020 में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और टी20 वर्ल्ड कप 2020 में अपना फ्यूचर देखते हैं, अगर वहां पर खेलते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर एशिया कप 2020 से पहले ही महेंद्र सिंह धोनी भारतीय वनडे टीम के साथ जुड़ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की, तो यह बदलाव होने वाला है हार्दिक पांड्या को लेकर। हार्दिक पांड्या भी वर्ल्ड कप 2019 के बाद से लेकर अभी तक टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद अपनी इंजरी की सर्जरी कराने का डिसीजन लिया था। सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही थी, लेकिन फिलहाल वो फिट नहीं थे, जिसके चलते उनको टीम से बाहर रखा जा रहा है। लेकिन एशिया कप 2020 से पहले वो डेफिनेटली भारतीय टीम के स्क्वाड्स को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बदलाव की, तो यह बदलाव होने वाला है भुवनेश्वर कुमार को लेकर। भुवनेश्वर कुमार भी इंजरी के चलते पिछले काफी लंबे टाइम से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन एशिया कप 2020 से पहले वो भारतीय टीम के स्क्वाड्स के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे बदलाव की, तो यह बदलाव होने वाला है भारतीय टीम की ओपनिंग में। आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल रोहित शर्मा और शिखर धवन भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इंजर्ड हैं, और पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने फिलहाल भारतीय टीम की ओपनिंग का मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों की ओपनिंग फिलहाल बिल्कुल टोटली फ्लॉप हमें नजर आती है, लेकिन अब ऐसी बिल्कुल कंफर्म न्यूज है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन अपनी इंजरी को काफी हद तक रिकवर कर चुके हैं, और एशिया कप 2020 से पहले भारतीय टीम के स्क्वाड्स को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एशिया कप 2020 के लिए भारत की पूरी 16 सदस्यीय टीम के बारे में। तो पांच बल्लेबाजों के साथ यहां पर टीम इंडिया उतरने वाली है, जो है रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल और सुरेश अय्यर। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की, तो दो विकेट कीपर्स मौजूद रहेंगे, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत। फिर हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, ये चार ऑलराउंडर्स हमारी टीम में मौजूद रहेंगे। बात करते हैं गेंदबाजों की, तो छह गेंदबाजों के साथ यहां पर टीम इंडिया उतरेगी, जिनमें दो स्पिनर और चार फास्ट बॉलर होने वाले हैं, जो है भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। तो कुछ ऐसी 16 सदस्यीय टीम एशिया कप 2020 में भारत की होने वाली है। इस टीम के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।